दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष चित समाधि देने वाला, व्यक्ति का उत्थान करने वाला, शिक्षा देने वाला, जीवन को नई दिशा देने वाला, जीवन का परिवर्तन करने वाला, चहुमुखी विकास करने वाला, देश की बात हो, विश्व की बात हो, व्यक्ति की बात हो, सबको आपस में जोड़ने वाला, सभी के बारे में बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषय रखे जाते हैं, हर विषय को शोध पर रखा जाता है, हर व्यक्ति को, हर विषय को मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, कई कोणों से उसको सिद्ध किया जाता है, कई कोणों से प्रस्तुत किया जाता है, उसकी हर मेरिट डिमेरिट को देखा जाता है। कार्यक्रम के अंदर विविधताएं हैं, कार्यक्रम मल्टी डायरेक्शनल है। इसी क्रम में आज एक धार्मिक विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है, धर्म व्यक्ति को जोड़ता है तोड़ता नहीं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तो है धर्म और दूसरा जोड़ना और तोड़ना। जोड़ना और तोड़ना की बात पहले करते हैं कि जोड़ना का अर्थ होता है एक के साथ में दूसरे का मिलना, सामंजस्य होना, मित्रता होना, करीब आना, एक दूसरे के परिचय में आना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे से घुलमिल जाना, ये सारा क्या है, जोड़ना कहलाता है। और तोड़ना का मतलब विमुख हो जाना, राग द्वेष हो जाना, वैमनस्य हो जाना, एक दूसरे के बारे में स्पीकिंग टर्म्स का न रहना और आपस में एक दूसरे का कनेक्शन टूट जाना, कोई एक दूसरे से कभी बात भी नहीं होना, ये सारा तोड़ने की बात आती है। अब हमारा विषय है कि धर्म जो है ये व्यक्ति को जोड़ता है तोड़ता नहीं है। तो हमें धर्म को पहले समझना है कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म सीधी सीधी भाषा में बात करें तो ये अच्छाइयों का पुंज है। हमारे जीवन में अच्छाइयां बुराइयां दोनों ही होती है। जो बुराइयां हैं वो अधर्म के खाते में चली गई, वो अधर्म के वटवृक्ष में चली गई, और जो अच्छाइयां हैं वो जो है वो धर्म के वटवृक्ष में चली गई। ये दो दिशाएं हो गई, धर्म और अधर्म। तो धर्म है हमें अच्छाई की ओर ले जाता है, अधर्म है जिसको कि पाप कहा जाता है, हमें बुराई की ओर ले जाता है। और समाज ने बकायदा आइडेंटिफाइड किया है कौन सी अच्छाई है और कौन सी बुराई है। और दूसरा, हम स्वयं निर्णय, कोई भी हमारे में समझ आने के बाद में व्यक्ति के अंदर विवेक है, विवेक ये धम्म माइए, विवेक को ही धर्म का है। जो कॉमन सेंस होती धर्म है कि ऐसी समय के अंदर मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जो अच्छा हो, तो ये विवेक जागृत हो जाता है और ये विवेक ही धर्म है। और ये धर्म ही व्यक्ति को जोड़ता है आगे, एक दूसरे से बांधता है और एक दूसरे से जो है नज़दीक ही लाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, धर्म की बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं। धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। धारण करने का अर्थ होता है अपने जीवन में उतारा जाए। और वस्तु सहाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे पानी है, इसका काम शीतलता देना है, अग्नि है, इसका काम उष्णता देना है। आप अग्नि में हाथ डालोगे और आप चाहोगे कि मेरा हाथ ठंडा हो जाए, तो हाथ ठंडा नहीं होगा, हाथ जल जाएगा, क्योंकि उष्णता देना उसका धर्म है। दुर्जन आदमी होता है, उसका धर्म है कष्ट देना होता है। सज्जन आदमी, चाहे उसको कितनी तकलीफ दी जाए, वो हमेशा सज्जनता देगा। जो नीम का पेड़ है, उसको कितने ही घड़ों से सींच दिया जाए, उसकी कड़वाहट नहीं जाती, कि उसकी कड़वाहट उसका धर्म है। इसी तरीके से हरेक का अपना अपना स्वभाव है, वो धर्म है। आत्मशुद्धि साधनम धर्म, एक ऐसा साधन जिसे हमारा का, हमारी सोल का प्योरिफिकेशन होता है, हमारा सोल का शुद्धिकरण होता है। और सोल जो इस पिंजरे के अंदर बंधी हुई होती है और वो उड़ नहीं सकती, वो जेल में है, तो धर्म एक ऐसा साधन है, धर्म एक ऐसा साबुन है कि उसके ऊपर जो हमारी आत्मा पर कर्म रज है, जो अशुद्धता है, अशुद्धि है, उसको धो धो धो, डिटर्जेंट पाउडर की तरह है ये, उसको धो धो करके उसको शुद्ध कर देता, वो साधन धर्म कहलाता है। अब देखिए,
धर्म की और भी बहुत सी परिभाषाएं हो गई है, लेकिन मोटे तौर पे हम देखें कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, ये सबसे बड़ा धर्म है कि कोई व्यक्ति किसी प्राणी मात्र को कष्ट दे न दे। मनुष्य कोई नहीं, प्राणी मात्र चराचर जगत में 84 लाख जीवा योनि है, किसी जीवा योनि को किसी भी तरह का मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न देना धर्म है, और कष्ट देना अधर्म है और पाप है। ये एक बड़ी सर्वमान्य जो है परिभाषा, इसकी बहुत सीधी सादी परिभाषा है और बड़ी हृदयंगम होने वाली है, आत्मसात होने वाली है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जहां पर ऐसी सुंदर व्यवस्था हो, किसी को दुख न देने की बात हो, तो वो एक अमृत है, तो वो एक संजीवनी है। तो हम कह सकते हैं कि अमृत एक धर्म है, वो एक अमृत है। धर्म जो है एक संजीवनी है, 100 बीमार और एक अनार। अगर हम व्यक्ति में सुधार लाना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, विश्व को सुधारना चाहते हैं, तो धर्म एक बहुत बड़ा साधन है। उसके माध्यम से जो है हम हरेक में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि धर्म हमारी जो आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा की करेक्टरिस्टिक है, वो आत्मा का हमारा लक्षण है, वो आत्मा का गुण है, इसके अंदर एम्बेडेड के है। इसीलिए जो गुण हमारे भीतर है, अगर हम उस गुण को विकास करें तो निश्चित रूप से हमको फायदा देगा, और वो अच्छा गुण है। तो अब इस तरीके से धर्म जो है व्यक्ति के पास में लाता है, और कहने का अर्थ ये है कि हमारा समाज जो है ना, हमारे समाज के लोग एक दूसरे के करीब कब आते हैं, जबकि उनके बीच में मैत्री होती है। अपना सज में सोच सच में सेजा मैथिंग भूए सो कप्पे, स्वयं सत्य खोजो सबके साथ मैत्री करो, ये हमारे भारतीय आगमों में कहा गया है। अगर आप सत्य खोजना चाहते हो तो खुद खोजो, खुद आगे बढ़ो, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ तो स्वर्ग में जाने से पहले मुझे मरना पड़ेगा, और अच्छा कार्य किया है तब जाके स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए सत्य खोजना है, खुद खोजो, चरे वेती चलते रहो, चलते रहो, अच्छाई की रास्ते पर चलते रहो, अच्छाई एक राजपथ है, उस रास्ते पर चलते रहो तो आपको सत्य मिलेगा, वो सत्य की मंजिल तक ले जाएगा, क्योंकि वो रास्ता सही है। और असत्य का रास्ता है, अधर्म का रास्ता है, पाप का रास्ता है, वो आपको दुर्गति में ले जाएगा, वो आपको नर्क में ले जाएगा, आपको जो है आपकी प्रतिष्ठा को गिरा देगा। इसलिए देखिए, जहाँ पर समाज के अंदर ऐसे मूल्य होते हैं, वह व्यक्ति के बीच में मैत्री होती है, प्रेम होता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ा रसायन है, वो व्यक्ति में एक बदलाव लाता है। तो कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। प्रेम एक ऐसा ताकतवर शब्द है कि आप किसी व्यक्ति को प्रेम दो, छोटे को दो, बड़े को दो, स्नेह दो, वात्सल्य दो, सम्मान दो, तो व्यक्ति आपका कृतज्ञ हो जाता, कभी कृतज्ञ नहीं होगा, क्योंकि प्रेम एक रसायन है, प्रेम एक भीतर रसों को बदलता है, और ये अच्छे अच्छे जो है हमारे कहना चाहिए प्रसन्नता के रस लाता है, मैत्री के रस लाता है, और एक दूसरे करीब आने के रस लाता है। तो इसलिए प्रेम जो है ना, वो हमारे समाज को जोड़ने का काम करता है, और प्रेम जो है वो धर्म का एक अंग है। मैं धर्म के उन उन अंगों की बात करता हूँ कि कौन से ऐसे अंग हैं जो व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ते हैं। तो मैंने दो बात कही, एक तो मैत्री, दूसरा बात कर रहा हूँ प्रमोद। कितना सुंदर विषय है, कितना सुंदर शब्द है। एक तो क्या है कि हम व्यक्ति के अंदर अवगुणों को देखें, तो अवगुणों को देखने से, दूसरे के अवगुणों को देखने से क्या होगा, हमारे भीतर उससे 1000 गुना अवगुण भरे पड़े हैं। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। उन्होंने कहा कि मैं सारी दुनिया का भ्रमण करके आया कि दुनिया में कितने बुरे लोग हैं, और जब मैंने मेरा दिल खोजा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे से बढ़ के इस संसार के अंदर कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। यानी उन्होंने सही रास्ता, इंट्रोस्पेक्शन का रास्ता लिया, उन्होंने स्वयं के दोषों को देखने का रास्ता लिया, स्वयं के अवगुणों को बाहर निकालने का रास्ता लिया, शुद्धिकरण का रास्ता लिया, तो शुद्धिकरण के रास्ते से सारी दुनिया उनको अच्छी नजर आने लग गई। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो हमारा जो प्रमोद भावना है, दूसरे के गुणों को देखना, प्रमोद भावना के उदाहरण आपको बताता हूं कि हमारे जो है वो ये महाभारत में आता है कि एक कुत्ते का शव है, वो कई दिनों से एक जगह सड़ा सड़ा दुर्गंध मार रहा था, तो उस रास्ते से विष्णु पितामह गुजरे, उस रास्ते से द्रोणाचार्य गुजरे, और बड़े बड़े जो है कहना चाहिए महारथी लोग गुजरे, और सब ने प्रतिज्ञा करी कि कितनी दुर्गंध हो रही है, किस व्यक्ति ने डाला है, उसको इतनी समझ नहीं है कि मेन रास्ते पर डाल दिया। हर एक अपनी अपनी प्रतिक्रिया करने लग गए और करते करते चले गए, यानी अवगुणों को देखते हुए चले गए। और उधर से कृष्ण भगवान और अर्जुन जा रहे हैं, कृष्ण भगवान ने प्रमोद भावना से कहा, क्योंकि वो तो भगवान है, तो उन्होंने ये कहा कि अर्जुन तुम देख रहे हो इसके जो शव के, जो कुत्ते का शव, इसके दांत जो है ना कितने चांदी की भांति चमक रहे हैं। देखिए, उन्होंने उसको गुण को निकाला, प्रमोद भावना को निकाला। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है, और अकेला अवगुण रह नहीं सकता, अकेला गुण नहीं रह सकता, दोनों साथ रहते हैं। तो प्रमोद भावना, ये धर्म का एक अंग है प्रमोद भावना, कि दूसरे गुणों का बखान करें। दूसरा व्यक्ति समाज का भला करता है, परोपकार करता है, और समाज को तन मन धन की सेवा देता है, और तो हमारा ये दायित्व होता है हम उसकी सराहना करें, उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उसको सम्मान दिया जाए, उसको जो है खूब अच्छी तरह से उसके गुणों की जो है जो बखान किया जाए, व्याख्या की जाए, तो वो व्यक्ति जो है और प्रमोदित होगा, और वो चाहेगा कि समाज जब मुझे इतना अच्छा स्थान दे रहा है तो मैं, मेरा तन मन धन है, और समाज को लगाऊं। और वो बड़े बड़े कार्य करते हैं, हमारे समाज में इस प्रोत्साहन की व्यवस्था के कारण जो है सब सेवा के कार्य चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, बड़े बड़े जो है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, और बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, सब प्रोत्साहन की वजह से हो रहे हैं, सब प्रमोद भावना की हो रहे हैं। और जितनी हमारी धार्मिक, जितने भी मंदिर है, धर्मशालाएं हैं, वो सब प्रमोद भावना से बढ़ते हैं, लोगों का सम्मान करने से बढ़ते हैं, लोगों को प्रेम देने से बढ़ते हैं, लोगों की प्रमोद भावना को जाहिर करने से कार्य बढ़ते हैं। तो ये एक धर्म का अंग है। अब देखिए ये कितने लोग जुड़ते हैं, अगर एक धार्मिक स्थल बनता है बड़ा मंदिर, तो उसमें कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग धर्म की आराधना करते हैं, आते हैं भगवान के दर्शन करने आते हैं, स्तुति करने आते हैं, घंटों घंटों रहते हैं, महीनों महीनों पर रहते हैं, तो व्यक्ति कितने जुड़ते हैं। अगर उसके स्थान के ऊपर कोई व्यक्ति जुआखोरी का अड्डा खोल दे, और जो है शराब की दुकान खोल दे, वेश्यावृत्ति का स्थान खोल दे, तो कितना शर्मनाक होता है, और वो कितना समाज को तोड़ता है, समाज के अंदर कितनी बुराइयों को पैदा करता है, वेश्यावृत्ति फैलती है, ये बहुत बड़ा एक समाज के अंदर ये बहुत बुरी लत है, और शराब खाना बुरी लत है, जुआ खोरी बहुत बुरी लत है, तो ये क्या है कि तोड़ता, ये अधर्म है, ये अधर्म के अंग है, ये पाप के अंग है, ये पाप के अंग व्यक्ति को तोड़ते हैं, व्यक्ति उससे घृणा करता है, व्यक्ति उससे दूर भागता है। जबकि जहाँ पे धर्म के अंग होते हैं, धर्म जहाँ पर मौजूद होता है, धर्म की जड़ को हमारी देशी भाषा में कहा जाता है कि धर्म की जड़ हरी होती है। अगर किसी दादा ने बहुत अच्छे कार्य किए, धर्म के कार्य किए, सुकृत किए हैं, तो उसका प्रभाव, उसकी क्रेडिट जो आने वाली पीढ़ियों को मिलती है, उसके बेटों को मिलती है, पोतों को मिलती है, पड़पोतों की मिलते हैं। देखिए आज हमारे सामने देखिए कि घनश्याम दास जी बिड़ला
वो घनश्याम जी स्वर्ग सिधारे, बड़े कितने वर्ष हो गए। और उसके बाद में डीडवाणा के बांगड़ साहब, जो मूल बांगड़ साहब थे भंगनी राम जी, कितने वर्ष हो गए इनको गए हुए को। उसी तरीके से जो है जमशेद जी जो टाटा को गए हुए, कितने वर्ष हो गए, लेकिन उनकी क्रेडिट आज भी बकरार है, क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए, समाज के लिए परोपकार किया, समाज के लिए भलाई का कार्य किया। तो आने वाली उनकी कई कई पीढ़ियों को, जनरेशन को आज भी क्रेडिट मिलती जा रही है, और लोग उनके गुणों की बखान करते हैं, उनके दान की महिमा गाते हैं, और उसको अच्छा स्तुतीय, वंदनीय और अनुकरणीय बताया जाता है। इससे समाज जुड़ता है, इसे समाज जो है वो हमारा चौगुणा होता है, और समाज के अंदर एक वृद्धि होती है, समाज में एक प्रफुल्लता आती है, और समाज का विकास होता है। यानी व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है, व्यक्ति व्यक्ति से टूटता नहीं है। हमारा विषय है कि धर्म है व्यक्ति को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। हम आगे चलें, मैत्री प्रमोद करुणा। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति का कितना सुंदर शब्द है कि जो करुणा विहीन धर्म होता है वो धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म की सबसे पहली विशेषता ये है, धार्मिक की विशेषता ये है, किसी दुखी व्यक्ति को, किसी दुखी प्राणी को दुखी देख करके उसके मन के अंदर जो है उसके अंदर पश्चाताप की बात, या मन के अंदर उसके करुणा आनी चाहिए, दया आनी चाहिए। देखो बेचारा पक्षी तड़प रहा है, देखो बेचारी गाय तड़फ रही है, मैं इसकी कैसे मदद करूं, वेटरनरी डॉक्टर को बुला के लाऊं, इस पक्षी को ले जा करके और इसकी मरहम पट्टी कराऊं। उसी तरीके से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो अकेला पड़ा है मान लो जो हमारी जो रोड के ऊपर, तो हमारी दया आएगी, तुरंत उठाकर उसको ले जावें। और आजकल तो नियम बन गया, ऐसे स्थिति को ले जाया जाता तो कोई तरह का कोर्ट कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं होती है। पुराने समय में, पुराने यानी अभी कुछ समय के अंदर, ये जब हमारा जो कानून का संशोधन नहीं हुआ था, तो बेचारा पड़ा पड़ा वही मर जाता था जो एक्सीडेंट किया हुआ व्यक्ति होता था, क्योंकि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता, पुलिस कार्रवाई होगी और मेरे को बयान देना पड़ेगा, घबरा जाता था। लेकिन आजकल नियम बने से वो करुणा का जो भावना होती, व्यक्ति तुरंत भागता है, उसको अपने पास जो भी साधन है, नजदीक से नजदीक हॉस्पिटल होता है तो वहां लेके जाता है, ये करुणा की भावना है। देखिए गर्मी के अंदर लोग सर्दी में ठिठुर रहे हैं, लोग रैन बसेरा के अंदर हैं या फुटपाथ पे हैं, और हम सक्षम है तो हमारे भीतर करुणा आनी चाहिए, और करुणा आती है उनके लिए। हम गर्म कपड़ों की व्यवस्था करते हैं, कंबल की व्यवस्था करते हैं, और हमारी जो सिख समाज है उसमें तो 365 दिन लंगर चलते हैं, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, लंगर चलता रहता है। जो है वो लंगर के अंदर कोई आओ, अपना सादा खाना खाओ और आराम से रहो, ये सब करुणा की भावना है। और ये करुणा की भावना धर्म का अंग है, इसलिए कितने कितने व्यक्ति जुड़ते हैं, और उस लंगर के अंदर न मालूम कितने बाबा लोग और कितने बेचारे जिनको की भोजन दो जून की रोटी नहीं मिलती है, वो अपनी भूख और पिपासा को मिटाते हैं। तो ये कितना बड़ा सुंदर जो है वो धर्म है, जो कि व्यक्ति को जोड़ता है। और आगे चलिए, मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थता। मध्यस्थता का अर्थ होता है कि राग द्वेष के अंदर सम रहना। दो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो हम क्या उसमें मध्यस्थता करें, हाथ जोड़ के उसको कहें भैया लड़ो मत, वो इस हद तक आगे अगर हमने बीच में नहीं पड़ा, हो सकता है कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी को मार दे, किसी को पीट दे, किसी की हड्डी तोड़ दे, हमने बीच में जाकर के मध्यस्थता की कि भाई जान दोनों आप रुक जाइए, क्या समस्या है, आपकी बात को सुनते हैं, समाधान निकालते हैं। जब हम पहल करते हैं, हम मध्यस्थता करते हैं, जब हम आप इतनी थोड़ी निडरता बताते हैं, कुछ लोग हमारे साथ में हो जाते हैं, जितने में दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो दो हैं उन लोगों को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे जोधपुर की विशेषता है, इसको अपनायत बोलते हैं। हमारे कई लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, वो झगड़े को समाप्त करते हैं, ऐसा नहीं कि लड़ाते हैं। कई जगह विशेषता होती है कि जहां लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है वहां पर जो है आग में घी डाला जाता है कि ये दूसरे को, एक दूसरे को और मारे और लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम छुड़ाते हैं, लड़ाई झगड़े का शमन करते हैं। एक बात अलग है, कोई अपराधी और इसने कर दिया जाए, उसको पकड़ा जाता है, पुलिस को क्या जाए, उसके ठोका पीटी भी
हो जाती है, लेकिन जो आम जो आपस के अंदर तू तू मैं होती है उसको हम करते हैं, उससे हमारे घरों में भी होता है। हमारे घरों के अंदर जो घरेलू हिंसाएं होती है, उस हिंसा के अंदर हम जाकर भाई क्यों लड़ते हो, पति पत्नी के बीच में समझाते हैं हम उनको कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, भाई तुम गृहस्थी के दो पहिए हो, क्यों लड़ते हो, एक गर्म है तो एक नर्म रहो, आपस में हमेशा चलना है, जिंदगी लंबी है निकालना है, इस तरीके से जो उसको संतोष दिया जाता और किसी घर में गमी हो जाती तो हम लोग जाकर के उसको समझाते हैं भाई नियति का योग है, किसी के हाथ में नहीं है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, आज आज ये गए हैं कल हम भी चले जाएंगे, तो शांतावना रखो धीरज रखो, उसके पास बैठते हैं समझाते हैं तो उसका जो दुख है वो शांत होता है। ये सब ये अंग किसके हैं, ये सब अंग है धर्म के हैं। दर्शकगण श्रोतागण भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम ये कोशिश कर रहा है कि आप में परिवर्तन आवे, आप में जागरूकता पैदा हो और आप एक अच्छे इंसान बने। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि विधायक भावों को पैदा करना। कार्यक्रम किसी जादू में टोने में तंत्र में मंत्र में विश्वास नहीं करता, हमारा एक ही विश्वास है विधायक भावों को पैदा करो, यही हमारा उद्देश्य है और इसी कारण से इसका विकास हो रहा है। तो आपके प्रति मंगल भावना शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो मंगलमय हो सुखमय हो।